का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। और स्टॉक के अंदर मेरा क्या व्यू बैठ रहा है दोस्तों, क्या एनालिसिस बैठ रही है, कहाँ पे आप लोगों का एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहने वाले लेवल्स, और अगर आपके पास ये स्टॉक होल्डिंग के अंदर है आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं हर एक चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाऊंगा। तो आप लोग एंड तक देखना और चैनल के ऊपर आप लोग बने रहना, वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप लोग देखोगे तो ट्रैपिंग लेवल का इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर दिखाया हो, तो मैंने इसके अंदर भी प्लॉट कर दिया अपने ट्रैपिंग लेवल्स। और अगर ट्रैपिंग लेवल की बात करो दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ट्रैपिंग लेवल्स मेरे को इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, मैं हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक का नाम है टीवीएस टी चक्र, और इसका मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। और इसके अंदर जिस तरीके की बुलिश मूवमेंट आ रही है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस के साथ आप लोगों को मार्केट के अंदर कामकाज करते हुए दिख सकता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट जोन की बात करूँ दोस्तों, जहां से ये स्टॉक आने वाले टाइम में पुल बैक लेके घूमने की ट्राई कर सकता है, तो वो उसका इंपॉर्टेंट जोन ये होने वाला है दोस्तों, इसी लेवल के आसपास ये ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों। इसके ऊपर ये ट्रैपिंग लेवल क्यों है मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया और यहाँ से एक्जैक्टली रिजेक्शन लेके नीचे की साइड मोमेंटम की है। और ये नीचे वाले लेवल है ना, ये भी ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन है, देख सकते हो इसके नीचे प्राइस सस्टेन हुई। जैसे इसने बुल्स को फिर से इसके अंदर बियर को ट्रैप किया, फिर से एक स्पाइक देखने के लिए मिला। स्पाइक मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके का स्पाइक है। अगर कैंडल की बात करूँ तो 54% विद इन अ मंथ इसने एक मोमेंटम आप लोगों को दी है। उसके बाद में अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे इसने क्या किया है दोस्तों, ये ट्रैपिंग लेवल है, जिस तरीके की कैंडल फॉर्म हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा ये स्टॉक, और पुल बैक लेते ही साथ इसके अंदर हम लोग घुसने के बारे में ट्राई करेंगे। क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टॉक अपन लेते हैं ना दोस्तों, बॉटम के अंदर ही लेते हैं, और अपना स्टॉप लॉस उसके बारे में उसके वजह से बहुत छोटा हो जाता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। और अगर मैं इसके अंदर आप लोगों को एक चैनल ड्रॉ करके बताऊँ दोस्तों, जिस तरीके के चैनल के अंदर आने वाले टाइम में स्टॉक परफॉर्म करते हुए अगर आप लोगों को दिख सकता है, तो आप लोग अगर देखोगे तो ये इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक इसने अपसाइड, जो प्राइस का शिफ्ट हो रहा है ना दोस्तों, अपसाइड हो रहा है, और इस तरीके का ही चैनल ये आने वाले टाइम में फॉर्म कर सकता है। अभी चैनल क्यों ड्रॉ किया है दोस्तों, आप लोग चार्ट को देखो, सीखो, दो तीन बार वीडियो को देखो, आप लोगों को समझ जाएगा कि ये चैनल क्यों किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है और क्यों ड्रॉ किया है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक मुझे इसी तरीके के चैनल के अंदर आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है, आउट रादर देन निफ्टी का मूवमेंट। मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, मेरे को ये स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश टेरिटरी के अंदर लग रहा है। और इसके अगर टारगेट्स की बात करें तो फिर से क्या करेगा, एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए स्टॉक बेकरार रहेगा आने वाले टाइम में। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ दोस्तों, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रह रहा है इसका, और इसके अंदर में टारगेट बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं, अपना 1:3 के अराउंड का इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। तो अगर एंट्री की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एंट्री के बारे में प्लान कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एंट्री प्राइस रहने वाली है अपनी ये वाली, और अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट अपना ये वाला रहने वाला है, ये टारगेट 2 रहने वाला है। और अगर टारगेट 1 की बात करें दोस्तों, तो टारगेट 1 मेरा एक फिर से एक ट्रैपिंग लेवल रहने वाली है। अगर फिर से मैं ट्रैपिंग लेवल ड्रॉ करूँ दोस्तों, जहाँ पे अपना आरआरबी फेवरेबल बैठ रहा है, और ये ट्रैपिंग लेवल वो निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट हो जानी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट हो जानी चाहिए अपनी। और उसके बाद में एसएल की बात करें दोस्तों, तो एसएल बहुत छोटा होने वाला है। और जो लोगों के पास ये स्टॉक होल्ड है ना दोस्तों, आप लोग इसको बिंदास एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। इसके अंदर आने वाले टाइम में स्टॉक आप लोगों को एक नया ऑल टाइम हाई दिखाएगा दोस्तों, ये मेरा कन्विक्शन है। और जब भी ये स्टॉक अपने अच्छे खासे अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ना, इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को फिर से एक रिवाइज वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से स्टॉक ने अपर साइड की मोमेंटम की, हमने किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया था, कहाँ पे अपने एंट्री के बारे में प्लान किया था। जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों को दिया ना दोस्तों, अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने प्रीवियसली आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यू स्टॉक के अपडेट देता हूँ, जिसके अंदर स्विंग अपॉर्चुनिटीज लगती है, मैं हर एक चीज आप लोगों को इसके अंदर अपडेट करता हूँ चैनल के अंदर ये वाले। तो आप लोग चैनल के ऊपर बन सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, हर एक चीज आप लोगों को फ्री चार्ट्स के ऊपर, नेकेड चार्ट्स के ऊपर इसी तरीके के प्लॉट करके प्रीमियम एनालिसिस में देता हूँ, मैं हर एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को ट्रैपिंग लेवल का इंपॉर्टेंस बता दिया, स्टॉक की एंट्री प्राइस बता दिया, टारगेट कहाँ पे लेना है वो भी बता दिया, जिसके पास ये स्टॉक होल्ड है वो लोगों को भी बता दिया कि क्या करना है आप लोगों को। स्टॉप लॉस यही होल्ड करना है आप लोगों को दोस्तों, 1900 के लेवल के अराउंड का आप स्टॉप लॉस रहने वाला है, और 81% के अपर साइड स्टॉक के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर अपसाइड की बात करें, इतनी बड़ी अपसाइड तो मैं स्टॉक के अंदर आराम से बैठ सकता हूँ इतनी बड़ी अपसाइड के बारे में सोचते हुए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो अगर ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करने की जैसे आउट परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होता है दोस्तों, आप लोग देखोगे तो 900% की अपसाइड विद इन अ सिंगल रेड कैंडल से दिखा दिया। देखो देखिए, थोड़े थोड़े रेड कैंडल है, थोड़े से पुल बैक है, लेकिन जो प्रीवियस मेजर लो था उसको उसने वो कभी भी निकाला नहीं है और कंटिन्यू अपसाइड दिखाया। फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे ट्रैपिंग लेवल के ऊपर जैसे सस्टेन किया ना दोस्तों, इसने 60% की अपसाइड विद इन अ 65% की अपसाइड विद इन अ मंथ दे दी है। अगर मैं आप लोगों को फिर से इसका मोमेंटम दिखाऊँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ये 4 या 5 महीने से एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और ऑलमोस्ट मोर देन 112% से आप ज्यादा की इसने रिटर्न निकाल के दे दिए। और जो अभी लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में
ये आराम से अपने को यहाँ से यहाँ तक का RR, मतलब 80% की स्टॉक के अंदर अपसाइड में ज्यादा बड़ी मुझे लग नहीं रही है। स्टॉक और भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अपने को रिस्क लेना नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ, प्रीमियम नॉलेज आपके लिए लेके आता हूँ, तो आप लोग देखे, सीखे, समझे। मिलते हैं अगले वीडियो में।